मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष को हटाने के लिए 3/4 बहुमत की जरूरत होगी। पहले 2/3 बहुमत लाकर पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकते थे। मंगलवार 20 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मोहर लगी है, जबकि ये भी फैसला लिया गया है कि 3 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सकेगा। अब सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे विधेयक के तौर पर विधानसभा में रखेगी और पास करवाएगी। सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 में संशोधन करते हुए ये फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से अविश्वास प्रस्ताव झेल रहे नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें हटाना आसान नहीं होगा। अब जब तक 3/4 पार्षद पालिका या परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ नहीं होंगे, तब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नगरी निकाय में अब 2 साल की जगह 3 साल में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष 3 साल से पहले नहीं हटेगा। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए अब 2/3 की जगह 3/4 बहुमत जरूरी होगा। हालांकि आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से फिलहाल महापौर यानी मेयर को दूर रखा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत होता है, यानी जनता महापौर को चुनती है। रही बात मेयर को हटाने की, तो मेयर को हटाने के लिए प्रक्रिया ऐसी है कि कुल पार्षदों में से 1/6 के बराबर यदि पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो कलेक्टर मेयर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अब ये फैसला क्यों लिया गया, इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में 22 जुलाई को निकायों के चुनाव को 2 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में हाल ही में कुछ नगरीय निकायों में बगावत के शुरू उठ रहे थे। अध्यक्षों के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया था, क्योंकि अध्यक्ष बीजेपी समर्थित थे। लिहाजा सरकार ने अब अधिनियम में संशोधन किया है और जहां से विरोध के सुर उठ रहे थे उनमें भिंड, बीनागंज, चाचौड़ा, गुना और मुरैना जिले का बानमौर शामिल है। अलग अलग मुद्दों पर इसे लेकर पार्षद विरोध में उतरे थे, हालांकि समझाइश के बाद वो मान गए। अब सरकार के संशोधन से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को हटाना और कठिन हो जाएगा। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।